एक्चुअली आज तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। अच्छा, दिल कर रहा है तुम्हें जोर से हक कर लूं। तो कर लो। बहुत परेशान हो गई हूं, अब इसके साथ रहना अच्छा नहीं लगता। प्लीज कुछ करो ना, नहीं तो मैं कोई उल्टी सीधी हरकत कर बैठूंगी। यार वो तुम्हारा हस्बैंड है, तुम्हें उसके साथ रहना पड़ेगा और सब कुछ सहना पड़ेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। बेबी मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। अरे तुम भाभी, गायत्री कैसे हो आप? बस अच्छी हूं। मैं भी ठीक हूं। चलो अंदर चलो चलो बैठो। भाभी ये कौन है? बेटी, भाई से मिलने आई थी, थक गई। क्या पता उसको, भाई तो रहा नहीं। बेचारी, कौन देखेगा? भैया भैया, भैया सपना था। 3 बज रहे, ये कैसा सपना था? और भाभी भी कुछ, वो आदमी कौन था?
ये मेरे साथ क्या हो रहा है? बुरा सपना था। हाँ, पसीना। ये क्या हो रहा है? कुछ गड़बड़ है। मुझे कुछ करना चाहिए। हाँ, इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम रानी है। कल रात मैं अपनी भाभी के घर पे गई थी, तो मुझे मेरे भाई सपने में मिले थे, तो वहाँ पे मुझे सपना आया। उन्होंने मुझे बताया मेरे भैया को मेरी भाभी ने अपने दोस्त के साथ मिलके उनका खून कर दिया। तो अब सपनों का भी FIR दर्ज करें क्या? और उस पर भी कार्रवाई हमें ही करनी पड़ेगी। अरे, पुलिस वालों के पास और कुछ काम नहीं है? बस यही सब रह गया है। प्लीज। कहा जाता है कि सपने में देखी हुई चीज सच नहीं होती। ऐसे ही एक सपने के आधार पर रानी पुलिस के पास गई। इस बात को कई हद तक अंधविश्वास में भी लिया जा सकता है, लेकिन पुलिस ने बड़ी ही ईमानदारी से रानी की बात सुनकर इस केस की पूरी जांच की और नतीजा रानी को पड़ा हुआ सपना आखिरकार सच साबित हुआ। क्या बात है, आज बहुत अच्छे से लग रहे हो। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी भाभी है प्रीति, और ये उनका कोई कजन वजन नहीं, मुझे तो इनका आशिक लगता है। आकाश नाम है इसका। प्रीति जी। सर, सच बताओ, श्याम कहाँ है? सर, मुझे दो एक रोज का बोलकर काम के लिए बाहर गए थे। आकाश, तू तो यहाँ बहुत दिनों से है, कुछ तो जानता होगा। आखिर मांजरा क्या है? हा? नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता। इंस्पेक्टर साहब, मुझे लगता है ये दोनों कुछ तो छुपा रहे हैं। आप एक बार जोर देके पूछिए ना। सच सच बता, क्या हुआ था? वरना इतनी तुड़ाई करूंगा तुम्हारा भूत भी नाचेगा। बताता हूँ सर, बताता हूँ। मैं और प्रीति प्यार करते थे, लेकिन शादी नहीं कर पाए। तो इसलिए तुम दोनों ने उसे मिलकर मार दिया है? सर, हम श्याम को मारना नहीं चाहते थे, पर उसने हमें रंगे हाथों पकड़ लिया था। दरवाजा खुला है। Thank you.
क्या हुआ? आज जरा तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत नहीं ठीक है कि निकम्मे हो? तुमसे कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ, निकम्मा तो हूँ, दिख तो रहा है। कौन है ये? यार है मेरा। अच्छा, बहुत प्यार करती हूँ मैं इससे। शादी से पहले से प्यार करती हूँ। और मैं भी इससे बहुत चाहता हूँ। अच्छा, तुझसे ज्यादा ही। चलो यहाँ से। ठहर जा साली, अभी बुला के लाता हूँ पड़ोसियों को। श्याम, तुम किधर जा रहे हो? हट साली। अबे रुक, तेरी हिम्मत कैसी हुई इसको हाथ लगाने की? पहले